प्रयागराज में चल रहे कुंभ मेले में इस बार नागा साधु के साथ साथ महिला नागा भी आकर्षण का केंद्र बनी हुई हैं। मेला क्षेत्र में बने अखाड़ों में महिला सन्यासी के साथ ही महिला नागा सन्यासी भी नजर आ रही हैं। कहा जाता है कि हिंदू धर्म की रक्षा करने के लिए जिस तरह पुरुषों को नागा साधु बनाया गया, उसी प्रकार महिला साधकों को भी नागा बनने की दीक्षा दी गई। हम सारे साधुओं की, जैसे नागा है, साधनी है, सन्यासी है, तो उनको पहले पंचभूत बनाए जाते हैं साधुओं के, अति साधुओं के। तो पंचभूत में पहले पंचभूत बनाते हैं, फिर बाद में सन्यास करते हैं। जब सन्यास करते हैं तो कुंभ में लेके आते हैं मुंडन वगैरह। हाँ, बता दो। फिर हमारे यहाँ मुंडन संस्कार होता है, चोटी काटी जाती है, पंचभूत बनाए जाते हैं। तो हमारे पांच गुरु बनाए जाते हैं, तो फिर उसका नया जन्म होता है। एक पश्चिमी गुरु, एक लंगोटी गुरु, एक चोटी गुरु, एक भगवती गुरु, एक सरना गुरु, तो पांच गुरु होते हैं। तो रात को उनको वहाँ ले जाते हैं गंगा किनारे, तो उनको एक दंड का मंदिर दिया जाता है, उनका शुद्धिकरण किया जाता है। तो पूरा दिन ओम नमो शिवाय पूरा दिन सुमन करते हैं प्रभु का, दोनों पे बैठा के रखते हैं। फिर रात के बाद 12 बजे उनको गंगा किनारे लेके जाते हैं, तो वहाँ उनसे धर्म कसम होती है, कुछ मंत्र दिए जाते हैं। हमारे आचार्य जी आते हैं, हमारे अखाड़े को लेके आते हैं, फिर सुबह अपने अपने उसमें छोड़ देते हैं। सुबह फिर प्रेस मंत्र के लिए बुलाते हैं, जब उनका प्रेस मंत्र हो जाता है, फिर अपने अपने गुरु के पास आके सब अपनी चोटी दे देते हैं उनको, तो उनके चरणों में रहते हैं। जो महिला नागा साधु जो लेडीज होती है, वो अवधुतानी होती है, उसको भस्म लगाएगी और वस्त्र पहनेगी, उसको मर्यादा सिखाई जाती है, वो नागा नहीं होती है। तो क्या यही प्रक्रिया उनके साथ भी होता है? हाँ, सारी प्रक्रिया बराबर की होती है, लेकिन माता को थोड़ा वस्त्र दिए जाते हैं, उसको मर्यादा।